se le llama ya. Y el clauso. Entonces, el clauso fue otro que ahora, y decíamos, el clauso es cuatro. Y decíamos, cuatro no me queda oxígeno. ऑक्सीजन क्या होगी वाटर के अंदर जाके डिजॉल्व हो जाती है जिसको जो एक्वेटिक लाइफ होती है आप जो जो भी होते हो क्या करते हो उसको यूज करते हो तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है वाटर के सरफेस पे उसको क्या हो जाएगा उसके अंदर चला जाएगा बल्ब में चला जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं जब हम किसी बल्ब में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं वहाँ पर ये जाफ जब तुम सरफेस की बात करते हो तो हम क्या बोलते हैं ये जाफ अब जैसे जैसे नाली वाली देखा हो गर्मी नाली उसमें मच्छर मच्छर होते हैं तो कहाँ पे होते हैं वाटर पे सरफेस पे होते हैं ना कि वाटर पे अंदर होते हैं वो जो फिनाइल है वो सीधा में ना एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूल के सरफेस पे जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट या जो भी चीज आप ऐड करते हैं उसका एक्सेस ही क्या बोला जाता है एडजॉर्प्शन जब इसको हम क्या बोलते हैं जब ये मॉलिक्यूल या सॉल्यूशन के अंदर चले जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं ये एडजॉर्प्शन ठीक है अब देखिए दो चीजें एक तो क्या है कोई सरफेस होगा जिसपे क्या होगा कि जो आप ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट या जो भी चीज आप मिला रहे हैं वो क्या होगा आप क्या करेंगे सॉल्यूट क्या करेंगे ऐड करेंगे और यहाँ पे होगा कोई सरफेस होगा ये सॉल्यूट क्या होंगे इसके ऊपर जाके एडजॉर्ब होंगे ठीक है ये जो सॉल्यूट एडजॉर्ब होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं एडजॉर्बेशन क्या बोलते हैं इसको एडजॉर्ब और जिसके ऊपर जाके क्या होंगे एडजॉर्ब होंगे उसको क्या बोलेंगे एडजॉर्ब इसको क्या नाम देंगे एडजॉर्ब ध्यान देना कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं एडजॉर्बेट क्या होता है जो सॉल्यूट क्या होता है जो अब जैसे जैसे गुड़ है तो गुड़ में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेट पता ही क्या होगा एडजॉर्बेट क्या होता है जो चीटी या चीटी होते जो आ रहे हो क्या होंगे एडजॉर्बेट होंगे और एडजॉर्बेट कौन होगा जो गुड़ है वो क्या होगा एडजॉर्बेट होगा जिसके ऊपर आके क्या हो रहा है बाइंड हो रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है चिपक जाता है ठीक है तो आगे डिफरेंस समझ में आता कि एडजॉर्बेट क्या होता है एडजॉर्बेट क्या होता है एडजॉर्प्शन क्या होता है तो ये एडजॉर्प्शन क्या है फिनोमेना जिसमें क्या होता है सॉल्यूट या कोई भी गैसियस रिएक्टेंट क्या होते हैं किसी भी सॉलिड के पार्टिकल में या सॉल्यूशन के सरफेस पे क्या हो जाते हैं जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं या जाके बाइंड हो जाते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं एडजॉर्प्शन बोलते हैं एडजॉर्प्शन में दो चीजें होती हैं जो सॉल्यूट एडजॉर्ब होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एडजॉर्बेट बोलते हैं जिसके ऊपर एडजॉर्ब होते हैं उसको क्या बोलते हैं एडजॉर्बेट ठीक है तो लिख दीजिए एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड On the surface of solid, there exists a residual होता है आप experiment करते हो सीखा है residual force as a result of this force, the surface of solid has tendency to attract and retain the other molecules or chemical species only at surface. जैसे कि
इल्जाम मारी हूँ, इल्जाम मारी हूँ, इजहार इजहार एट द सरफेस, एट द सरफेस देयर इज बल, हायर एट द सरफेस देयर इज बल, एट द सरफेस देयर इज बल। बल की कमी रहने पर सरफेस क्या होता है? कंसंट्रेशन जो भी इसकी सी एग्जाम होती है उससे ज्यादा होगा। अगली भी करें एग्जाम पे एग्जाम एग्जाम डिफिशन लिखते हैं क्या भी क्या हो जाएगा डिफिशन सारी सरफेस जिसपे क्या होते हैं मालिकी आगे क्या होते हैं एग्जाम होते हैं ऐसे सारे सरफेस को क्या बोलते हैं एग्जाम पे लिखे डिफिशन लिखे the solid that takes up a gas or vapor, a gas or vapor, a solute from a solution. Thomas solution is called adsorbent. Adsorbent. वाइट कलर की चीज तो वहां पे क्या होता है
एनिमल्स बोन्स को किसकी तरह बिहेव करता है, इट्स आर वेजिटेरियन। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन हैं, नहीं वेजिटेरियन है, वो इंटायरली क्या हो चाहे वो बहुत ज्यादा पीते हैं, इसका मतलब एनिमल बोन्स का बहुत ज्यादा सारे पंडित जी कुछ करते हो सारे बाबा लोग हां सारे बाबा लोग बाबाओं का तो आजकल देखो मेरे सारे बस वो चाय का बाबाओं का बोल रहा है मेरे के सुनकर तो मैं हम तो मेले के बगल में रहते थे तो सुबह सुबह सुनाई देता था एक दिन कमरे भारी कि हो जाएगी चाय का मित्र बढ़िया बोला जाता असम बाबा होते एक ही कलर का पहन के बात करते अगर ऐसा डिपॉजिट हो रहा है या जमा हो रहा है वेपर द गैस वेपर आर सॉल्यूट विच इज हेल्ड एट द सरफेस ऑफ द सॉल्यूट एट द सरफेस ऑफ द सॉल्यूट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन नहीं मिला तो
देखिए टायर साहब क्या टायर साहब ये पूछा जा रहा है ये जो आप पढ़ने जाते हैं पूछा जा रहा है टायर साहब क्या देर आर टू टायर साहब क्या देर आर टू टायर साहब क्या पहला होता केवी डॉक्टर केवी डॉक्टर दूसरा क्या होता केवी डॉक्टर केमिकल रिएक्शन में सबसे क्या होगा फिजिकल रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन सबसे क्या होगा ठीक जाता ठीक है जो फिजिकल रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं जो केमिकल होता है उसको क्या बोलते हैं रिएक्शन अब देखिए दोनों को क्या होता है दोनों में डिफरेंस ही पूछा जाता है कि दोनों होता है आप एग्जाम में क्या पूछता है डिफरेंस पूछता है कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या होगा अब देखिए नाम से ही केवी रिएक्शन है जो जो सॉल्यूट है और जो जो मतलब जो एडजॉर्बेंट है और जो एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट क्या होता है सॉलिड सरफेस होता है वैसे केस में क्या होता है सॉलिड सरफेस होते हैं क्या एडजॉर्बेंट ये एडजॉर्बेंट और इससे इससे जो हेल्प करेगा वो क्या होगा सॉल्यूट होगा सॉल्यूट में क्या हो सकता है गैस होगा या पेपर हो ये इसके करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं एडजॉर्बेंट बोलते हैं अब क्या होगा कि पहली चीज क्या हो सकती है इसके बीच में ये जो सरफेस है और इसके बीच में क्या रहेगा कोई केमिकल फोर्स लगे तो इस टाइप से जो रिएक्शन होगा केमिकल फोर्स जहाँ पे लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे केमिकल फोर्स बोलेंगे जब एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल या एडजॉर्बेंट सरफेस और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगे केमिकल फोर्स को लगे केमिकल बॉन्डिंग फोर्स को हम क्या बोलेंगे केमी जाप दूसरा जो थ्योरी जाप से इसमें क्या होगा केवल इसके और इसके बीच में क्या वाटर वर्क फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे वाटर वर्क फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे तो वहां से भी ये हेड हो सकते हैं और दूसरा क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग बना लें ये कोई केमिकल बॉन्ड बना लें तो दोनों की तरह से क्या हो सकते हैं यहाँ पे हेड करता है सरफेस जब वाटर वर्क फोर्स के थ्रू क्या करेंगे तो ये हेड होंगे तो दो तरीके से क्या बॉन्डिंग हो सकते हैं उसी की बेसिस पे हम क्या करते हैं इसको एग्जांपल को डिवाइड केमिकल ऑप्शन और फिजिकल ऑप्शन दोनों अलग अलग एक साइड लिखिए केमिकल ऑप्शन दूसरे साइड लिखिए फिजिकल ऑप्शन या लिख दीजिए डिफरेंस बिटवीन केमिकल ऑप्शन एंड फिजिकल ऑप्शन एक साइड लिखिए दो बार में एक बार में लिखिए इसका केमिकल ऑप्शन और दूसरा क्या लिखिए फिजिकल ऑप्शन देखिए सरफेस केमिस्ट्री हो गई इसके बाद देखो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ये केमिस्ट्री है ये दोनों बहुत ही डी होते हैं और इसको तैयार करने के लिए कम से कम 15 से 20 नंबर यहाँ से हो जाते हैं आसान नहीं सही बता रहा लेकिन जो पूरे यूनिट पढ़ने के चक्कर में ना 10-15 नंबर के बीच में रह जाते हैं तो इधर आपने क्या लिखा केमी जाओ अगर लिखे अब इसमें क्या होगा इसमें पहला क्या लिखते हैं कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल होंगे एड होंगे एक दूसरे से इसमें लिखते हैं इट आकर इसमें लिखे फर्स्ट एक इट आकर एट आर टेम्परेचर इट आकर एट आर टेम्परेचर इसमें लिखे इसमें लिखिए इट आकर है वेरी लो टेम्परेचर इट आकर है वेरी लो टेम्परेचर ये जो दोनों लाइन लिखा है उसमें मैं दोस्तों पहले बार में क्या लिखा किसी भी टेम्परेचर पे क्या हो सकता है पाया जा सकता है किसी भी टेम्परेचर पे होगा केमिकल रिएक्शन अब इसको जब ऐसा होगा होगा जब क्या होगा केवल लो टेम्परेचर तो ऐसा क्यों उसको भी किसी टेम्परेचर पे होना चाहिए ऐसा क्यों दो लो टेम्परेचर और ये हाई टेम्परेचर
मुझे लगता पढ़ते थे हमने सोचता नहीं, या तो आपको सोचने का टाइम ही नहीं था। देखिए हम पूरा नेट इसलिए था हमारे से पीछे, नहीं तो तब कंप्लीट हो जाता। देखिए क्या पहले बार में क्या केमिकल वार्निंग हो रही, केमिकल फोर्स के थ्रू जुड़ रहे, केमिकल फोर्स को केमिकल वार्निंग किसी भी टाइम पीरियड हो सकता है। और ये किसकी किसकी बीच होता, सॉलिड सरफेस के बीच में होता, गैस टाइप के गैस या वेपर होते हैं, तो गैस या वेपर होगी तो केमिकल वार्निंग के बीच में हो जाएगी किसी भी टाइम पीरियड। लेकिन जब फिजिकल इंटरेक्शन होगा बहुत वीक फोर्स लगता है, वाटर का फोर्स क्या होगा बहुत ही वीक फोर्स होता है। जब वीक फोर्स होगा थोड़ा भी इसका क्या करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस क्या होगा स्किप कर जाएगी। फोर्स बहुत वीक है इसमें क्या, फोर्स बहुत वीक होता है वाटर का फोर्स होता है, और वाटर का फोर्स में टेम्परेचर थोड़ा भी ज्यादा करेंगे तो गैस क्या कर जाएंगे सरफेस को छोड़ के चली जाएंगे, रिजॉर्प्शन क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगी यहाँ से। तो इसलिए इस वाले केस में क्या करना पड़ता है आपको, टेम्परेचर बहुत कम करके रखना, टेम्परेचर कम करके रखेंगे तो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो सरफेस से क्या होगी हिलने लगेगी, जैसे ही एनर्जी आएगी वैसे क्या करके छोड़ के छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे आपके रियल लाइफ में भी होता है, पता नहीं रियल लाइफ में मान लीजिए किसी को आपने सहारा दे दिया, वो देखा चार के पास वो देखने जैसा नहीं हो गया आसकी थी चार के पास चलो की मूवी नहीं देखा साथी रूप से गाना बहुत चलता, गाना कौन सा था बहुत चलता था फेमस चार के पास कोई एक गाना गा कर बताओ कौन सा चार की बात बढ़िया। तो उसमें था क्या कि उसमें क्या कि हीरो के जाने रहते हैं हीरो को लाते हैं बढ़िया सिंगर तो क्या बना स्टार बना देते हैं, तो जब तक स्टार नहीं बने रहते एनर्जी कम रहती है उसके पास, एनर्जी कम है के साथ साथ घूमते हैं, जैसे स्टार बनते पावर आ गया एनर्जी आ गई छोड़ के गया तुम जाओ ऐसे बढ़ो। अब इनका काम क्या है, ये बहुत सीधे साधे से बात दारू दारू पीने लगे क्या करेंगे, आस्किटू में देखा है ना आस्किटू में जाप्शन पीना बना रहे थे सब सर्फेस के मिलते जैसे जैसे एनर्जी मिलेगी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी कैसे इस्तेमाल की तो क्या करेंगे छोड़ के चले जाए। तो जोड़ने के लिए कंडीशन क्या होती है, एनर्जी की आप कम जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो तभी तक आपके साथ है जब तक क्या उसकी एनर्जी बराबर है, जैसे कोई एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो क्या करेगा छोड़ के हट जाए, आप नहीं क्वालिफाई करते तो क्या वही करें क्या एनर्जी का उसी स्टेट में पड़ेगा। तो फोर्स वीक होने की वजह से क्या होगा उसको लो टेम्परेचर करके रखना होगा, यदि थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो फोर्स वीक है टेम्परेचर बढ़ाने के वैसे मालिक्यूल के पास एनर्जी आएगी तो क्या बनेंगे सरफेस को छोड़ चले। दूसरा ये दूसरा इसमें इसमें जो अब कोई भी जो बॉन्डिंग होती है आप हमेशा जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो क्या बोला जाता है कि बॉन्डिंग ही ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, सुना है ये से कुछ पढ़ा ही नहीं। देखिए बॉन्डिंग क्या होता है ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद आएगा उससे अकेले तो अकेले जब तक रहेंगे तब तक आपको यदि घर से 500 रुपये भी मिल रहे तो उसमें काम चलेगा, लेकिन जैसे इलाहाबाद में कुछ दिन रह लेते तो दोस्ती वोस्ती होने लगती है। अब अकेले चाय पीने जाते हैं तभी 10 लोग जाएंगे, तब बॉन्डिंग हुई आपकी किसी के साथ 10 लोग गए अकेले का 5 रुपया दे रहे थे 10 रुपये कितना हो जाए एनर्जी आपकी लॉस हो रही, जब एनर्जी लॉस होती है ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जहाँ पर भी बॉन्डिंग होती है एनर्जी का क्या होता है हमेशा लॉस होता है, चाहे बॉन्डिंग किसी भी लेवल पर आपकी दोस्ती से लेके एंड तक एंड तक मतलब जैसे शादी वादी होती है तो वहाँ पर भी एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना, इनके पैसे खर्च होते हैं उनके खर्च होते हैं, एक बॉन्डिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसे क्या होते हैं खर्च होते हैं। तो जहां पर भी बॉन्डिंग होती है हमेशा क्या होगा पड़ा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, याद रखना कि बॉन्डिंग इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब दोनों में बॉन्डिंग हो रही है, अब किस बॉन्डिंग में ज्यादा एनर्जी लग रही है, इस वाली बॉन्डिंग में उस वाली जहां पे स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, वीक बॉन्डिंग होगी एनर्जी कम निकलेगी। अब जैसे हाई लेवल वाली कोई दोस्ती है तो वहाँ पे तो पैसे कम खर्च होंगे ना,
लेकिन एक अच्छी वाली दोस्ती खाया हमसे थोड़ा आगे वाले तो क्या होगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, हाँ जहाँ जाएंगे वहाँ लुभा के जाएंगे, लोग और पैसा खर्च होगा क्यों, हायर हो तो हायर उसकी निकल गई नई एनर्जी जा रही, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उतना ज़्यादा क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी। तो कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, केमिकल वाला क्यों होगा, इसमें जो हीट की बात होगी क्या होगी ग्रेटर होगी किससे, उस वाले जिसको वहाँ पर वीक बॉन्डिंग वहाँ पर ज़्यादा करके क्लास नहीं होगी, इसमें लिखी हीट इवॉल्व इट वेरी हाई, इसमें लिखी सेकेंड हीट इवॉल्व इट वेरी हाई, हीट इवॉल्व इट वेरी हाई वेरी हीट फोर फोर्टी टू फोर हंड्रेड जीरो जीरो पर जीरो पर कहाँ से ज़्यादा वेरी कर रहा, फोर्टी से फोर हंड्रेड किलो जूल के बिल्कुल क्या करेगा साठवें फोर्स होता है और वाटर वाला फोर्स क्या होता है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है।
तो शॉर्ट रेंज फुल्स का मतलब क्या होता है, बहुत कम डिस्टेंस तक ऑपरेट हो, तो कम डिस्टेंस तक ऑपरेट होगा तो अगली लेयर को बाइंड करके नहीं रखता। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, यानी केमिकल फोर्स होता है, क्या होता है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो इसपे केवल मोनो लेयर बनती है, इसपे दो डबल लेयर ट्रिपल लेयर ये सब फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन वो क्या होता है कि जो फोर्स लगता है क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, तो उसमें पहले सर्फेस के ऊपर दूसरे सर्फेस जमती है, फिर तीसरी फिर चौथी, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें केवल मोनो लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या होता है मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है। और ये मोनो लेयर मल्टी लेयर क्यों होता है, क्योंकि जो केमिकल फोर्स होता है क्या होता है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, और क्या होता है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इसमें क्या लिखेंगे, ओनली मोनो लेयर, ओनली मोनो लेयर फॉर्मेशन कहते हैं, मोनो लेयर फॉर्मेशन टेक्स। और इसमें क्या लिखेंगे अगले वर्ष, मल्टी लेयर फॉर्मेशन टेक्स। देखिए कि कॉम्प्लिकेटेड भी आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, मोनो लेयर और मल्टी लेयर किस में होता है, यदि आप जैमों कहते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। समझ आ गया, अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, मोनो लेयर जो होता है पहले वाले लिख रीजन लिख दीजिए, सिंस केमिकल फोर्सेज ऑपरेट within short distance, therefore, chemical absorption does not extend. उसमें रीजन क्या लिखेंगे, ये लार्ज रेंज फोर्स होता है, लार्ज रेंज फोर्स जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है मल्टी लेयर फॉर्मेशन। रीजन लिखे भी आना लिखे, लेकिन थोड़ा सा लिख देंगे छुट्टी होता है, बाकी के कम रीजन है जरूर रीजन लिखेंगे। डिजॉर्प्शन टर्म क्या होता है, डिजॉर्प्शन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, एक क्या एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन के मतलब क्या होता है डिजॉर्प्शन। अब मॉलिक्यूल को ब्रेक करा रहा है तो इसमें भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी और इस बार भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी इसमें ज्यादा होगी या इस बार इसमें ज्यादा होगी, क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ का जो फोर्स होता है क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ से डिजॉर्प्शन कराने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या करना पड़ता है, एनर्जी हमें ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, डिजॉर्प्शन में थोड़ा से वीक फोर्स होता है तो थोड़ी सी एनर्जी देगी तो क्या हो जाएगा डिजॉर्प्शन हो जाएगा, तो इस बार भी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हाई फॉर द डिजॉर्प्शन, एक्टिवेशन एनर्जी हाई फॉर द डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब समझ में आ रहा है, जस्ट इसका एडजॉर्प्शन का अपोजिट डिजॉर्प्शन होता है कि मॉलिक्यूल को सरफेस से हटा, और उसमें क्या हो जाएगा सेकंड वाले में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लो थोड़ी सी एनर्जी देने के लिए क्या होगा डिजॉर्प्शन, a very good method of
वेरी गुड मेथड ऑफ क्रिएटिंग वैक्यूम, क्रिएटिंग वैक्यूम इज टू कंटेक्ट कनेक्ट इज टू कनेक्ट इज टू कनेक्ट अ बल्ब ऑफ चारकोल बल्ब ऑफ चारकोल कूलिंग कूलिंग एयर एयर टू अ वेसल एयर टू अ वेसल टू अ वेसल विच है विच है ऑलरेडी जैसे जैसे आपके बल्ब होते हैं ना, जो बल्ब बनाए जाते हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें क्या भरते हैं, या तो ये वैक्यूम क्रिएट करते हैं इसमें, या तो इनर्ट गैस भरते हैं, जो जो फिलामेंट आपके होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तुरंत क्या हो जाएगी इमिट हो जाएगी ब्लैक हो जाती है। तो आप कभी बल्ब को खोल के जलाइए तुरंत क्या हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा, फिलामेंट क्या हो जाएगा जल जाता है। तो होता क्या है कि जैसे एयर होगा एयर में ऑक्सीजन होता है जैसा ही गैसेज होती, तो उससे क्या करता फिलामेंट रिएक्शन करता हमने क्या जरूरत पड़ती है उसको क्या करें वैक्यूम क्रिएट करें वैक्यूम पंप से एग्जॉस्टर वैक्यूम पंप क्या होता है एग्जॉस्टर नहीं लगा होता है वैक्यूम पंप से हम क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप रिएक्शन ऑप्शन करेंगे हाई लेवल पे जाके तो क्या होता है वहाँ पे एयर नहीं होना चाहिए, उस रिएक्शन इतना सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर और एयर नहीं होना चाहिए, तो वैक्यूम पंप लगे होते हैं और रिएक्शन के लिए नली लगी होती है उसमें क्या करते हैं पंप को चालू करके पहले क्या कराते हैं वैक्यूम क्रिएट कराते हैं। जो आपका जो वेसल होते हैं जो आरवी आरवी होती है इसमें भी क्या होता है आप रखे यहाँ पर ओपन करके तो एयर है वहाँ पर, तो हमें एयर से रिएक्शन नहीं कराना, हमें क्या करना वैक्यूम में रिएक्शन कराना। तो पहले हम उसको क्या करेंगे उससे लगा देंगे, लगा के क्या करेंगे पंप चालू करके 10 या 15 मिनट क्या कराते हैं वैक्यूम क्रिएट कराते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पर सिस्टम नहीं अवेलेबल है आईटी जाते हैं जाएगी तो वहाँ पर मिलता है, तो पहले वैक्यूम क्रिएट कराते हैं फिर से रिएक्शन उस पर लगाते हैं, सारे रिएक्शन क्या होते हैं वैक्यूम में ही कराए जाते हैं, ठीक है। जितने भी आप रिएजेंट निकालेंगे जितने भी सॉल्वेंट लेंगे सब क्या होते हैं सब में नाइट्रोजन गैस लगाया जाता है या हाइड्रोजन गैस होती है, और ये क्या होते हैं इनर्ट गैसेज जो वो ज़्यादा रिएक्शन करती नहीं। तो बल्ब में जो क्या करते हैं हम कि एयर नहीं थे तो वैक्यूम क्रिएट करना होता, तो वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे या तो वैक्यूम पंप लगाएंगे या तो हम चारकोल को वहाँ पर डाल दें, तो चारकोल क्या करेंगे जितने भी गैस होंगे सबको क्या कर लेंगे भेजाव करेगा, जब भेजाव करेगा तो क्या हो जाएगा तो वहाँ के जो एयर हो क्या होगी हट गए तो वैक्यूम क्रिएट हो गए। अब जैसे जैसे पनडुब्बी वाले जो होते हैं जो सबमरीन बोलते हैं तो उनके उनके क्या होता है सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड में छोड़ते हैं तो क्या होता है उसमें ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसी सिस्टम मिलाते हैं जिससे क्या हो जाए वो जो दूसरी गैसें उसको क्या करें वो एजाव करें तो ब्लड में ना मिल पाए, ठीक है। वहाँ पर भी यही होता है। चलिए अगला देखिए वही अगला अगला आप देखिए एक्टिवेटेड चार्कोल एक्टिवेटेड चार्कोल इज यूज्ड इन गैस मास्क बोलते हैं यूजिंग गैस मास्क in which all toxic gases and vapors are absorbed by charcoal while pure air गैस मास्क जो होता है आपका उसमें क्या होता है चारकोल के पाइप्स लगी होती है बंदे बंदे, उसमें क्या करते हैं जो टॉक्सिक गैसेज होंगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा कार्बन मोनोऑक्साइड मान लीजिए गलती से उसमें मिला हुआ है
ये सब क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, और जो प्योर एयर होगा मतलब ऑक्सीजन होगा क्या होगा, पास होके आपके अंदर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या लगेगा, अब जैसे जैसे फैक्ट्रीज होती है तो फैक्ट्रीज में हम जानते हैं किसको ये एडजॉर्ब करेगा। अब सारी चीज़ों को वो एडजॉर्ब नहीं करता, जिसकी जरूरत होती है उनको जो जाएगा पहले क्या होगा बाउंड होगा, एडजॉर्ब ऑक्सीजन जो होगा, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है इनर्ट गैस की तरह होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो क्या होगा पास होता चला जाएगा। अब जैसे नाइट्रोजन पे हम लगाए थे तो नाइट्रोजन एडजॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि ये कैसे रिएक्शन नहीं करते, बहुत कम रिएक्शन करते। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कंपेरिजन में क्या ऑक्सीजन बहुत कम रिएक्ट हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा जल्दी से जाके बाहर मिल जाएगा, इस पर फोर्स वाटर बल ज़्यादा लगेगा। तो जब हम पढ़ते हैं क्या वाटर बल कॉन्स्टेंट पढ़ते हैं ए और बी, उसको नहीं पढ़ते, तो ए की वैल्यू क्या होती वेरी करती रहती गैस टू गैस, किसमें कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो जितना जो गैसें जितना ईजी लिक्विफाई हो जाती है उसमें फोर्स क्या लगता है उतना ज़्यादा, वंडर वॉल फोर्स उसमें क्या होगा उतना ही ज़्यादा। जैसे हम आप दो तीन गैसें देखते हैं, जैसे वाटर पेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मल्टी ऑक्सीड, इसको हटा दें। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि कौन सी गैस ईजी लिक्विफाई होती है या इन चारों गैस में कौन सी पहले एग्जाम्पल जितना इनर्ट होती जाएगी गैस उतना क्या होगा एग्जाम उसका कम होता है, ठीक। अब जैसे कंपनियाँ होती हैं बड़े बड़े, उसमें आप देखा होंगे कि क्या चीनी लगी होती है, चीनी से क्या होती है धुएं निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वहाँ से क्या होती है गैसें निकलती है, जैसे एसो टू निकलता है, एडो निकलता है, ये सब गैसें निकलती है। तो ये बाहर जाके एटमॉस्फेयर में वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं H2SO4 नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। जब ये वाटर वाटर के साथ क्या होती है नीचे पार करते हैं तो आपकी स्किन की सर्फेस में गिरती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो अच्छी आपकी मोनमेंट बोल सकते हो, उस पर क्या होती है पार करते हैं तो उनके कलर को क्या करते हैं जैसे कि यहाँ पे विश्वविद्यालय में पौधे वगैरह चल रही है तो उसमें क्या होते हैं एसीडेट की वजह से इनका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया, जैसे ताज महल का बहुत तेलों का कलर चेंज हो रहा है, किसकी वजह से होता है एसिड रेन की वजह से होता है। तो वहाँ पे जो ताजमहल है आगरा में उसके आसपास फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्री ज़्यादा होने की वजह से SO2 और NO2 गैसेस क्या होती है ज़्यादा निकलती है तो वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, तो बारिश के समय में क्या होता है H2SO4 और HNO3 बन के आती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में जो मार्बल है कैल्शियम कार्बोनेट उससे रिएक्शन करके उसको क्या करते हैं डिप्लेट कराते हैं, जब डिप्लेट कराते हैं तो जो मार्बल है आपका उसका कलर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ की ढेर सारी कंपनियाँ बंद कर देती हैं या उनको निर्देश दिया गया कि अपनी जो पॉल्यूशन उसको कर लो, तो वो करते क्या है कि जो चिमनी होता है उसमें बड़े बड़े से स्पेयर का क्या डाल देते हैं ये डाल देते हैं एडजॉर्बेंट डाल देते हैं, ठीक है। वो एडजॉर्बेंट क्या होते हैं कि NO2 और SO2 को क्या करते हैं एडजॉर्ब करते हैं। अब जो बाइक में आते हैं ये भी क्या होते हैं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, या तो हम अपने फ्यूल्स को चेंज करें या तो उसमें क्या करते हैं कुछ ऐसे डिवाइस लगाते हैं जिससे पॉल्यूशन क्या हो कम मैक्सिमम चीज़ें क्या हो जाए एडजॉर्ब होती चली जाए, जब एडजॉर्ब हो जाएंगे तो क्या होगा बाद में उसको साफ करवा लेते हैं। तो आप फिल्टर उल्टर देख लेंगे फिल्टर उल्टर लगे होते हैं जो क्या करते हैं उसको फिल्टर करते तो ये फ्यूल का फिल्टर वहाँ पर एडजॉर्ब नहीं होता, ठीक है, वो फिर फिल्टर करते। देखिए जब पॉल्यूशन कम करना होता है तब क्या लगाते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल या ऐसा कुछ इंजन में किया जाता है जो सेंसर होता होगा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं, ठीक। ये सब किसका एग्जाम्पल, ये सब क्या एग्जाम्पल नहीं होता है सब, ठीक। तो अभी आप एसीडेट के बारे में पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ एसी आके भी पढ़ते हो एक आध पेशा पढ़ के देखिए सब समझ में आएगा, ठीक। अगला प्रश्न एनिमल चार्को इज यूज एज ए डीकलराइजर इज यूज एज ए डीकलराइजर
in the cane sugar, in the manufacture of cane sugar. In the manufacture of cane sugar. Cane sugar तो जानते हैं क्या होता है? ये sugar cane होता है और क्या होता है? Cane sugar. Sugar cane का मतलब क्या होता? गन्ना होता है. और cane sugar का मतलब क्या होता है? चीनी होता है. तो जो अभी हमने बताया था sugar में जो color होता है उसको क्या कहते हैं? Decolorize करते हैं. वहाँ पे क्या होता है? एक जो animal charcoal होते हैं जो bones होते हैं उनको क्या कहते हैं? Use करते हैं decolorize करते हैं. अब चीनी की चीज़ तो बड़ा ध्यान से जो वेजिटेरियन है ओके चलिए इट इज उसे इट इज यूज इन हेटरोजीनियस कैटालिसिस. इट इज यूज इन हेटरोजीनियस कैटालिसिस. हेटरोजीनियस कैटालिसिस अब इसका एग्जांपल बताएं. हेटरोजीनियस कैटालिसिस हेटरोजीनियस कैटालिसिस पढ़ा नहीं पढ़ा देखा भी नहीं होता सच में. अभी इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन बना के दिखाया थे. तो एथीन क्या होता है? गैस होता है. हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है. अभी यहाँ पर एथीन देख सकते जो एथीन होता है एथीन बोलते हैं. ये क्या होता है? ये गैस होते हैं ठीक है. और यहाँ पे जो आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं उसमें क्या होता है? गैस. इसको कहाँ पे ऐड करते हैं? सॉलिड सरफेस. ये गैस है और कहाँ पे ऐड करते हैं? सॉलिड सरफेस पे. दोनों का फेज क्या है? अलग अलग. जब फेज अलग होते तो ऐसे तो हम क्या बोलते हैं? हेटरोजीनियस कैटालिसिस. जब कैटालिस्ट जैसे जैसे आप बायोलॉजी में थोड़ा सा जानते होंगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज जो होता है लिक्विड फॉर्म में होते हैं. इनको कैटलाइज करते हो क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं. तो वहाँ पे जो कैटालिसिस होते हैं किस टाइप के होते हैं? होमोजीनियस होते हैं. क्योंकि जो हम लिक्विड चीजें ले रहे हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में है और जो कैटालिस हमारे होंगे क्या लिक्विड फॉर्म में. तो दोनों ही सेम फेज में तो हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस कैटालिसिस. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सब गैस है और जो हमने सरफेस यूज किया था कैसा था? सॉलिड था. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटालिसिस. तो हाइड्रोजनेशन किस टाइप की कैटालिसिस होता है? हेटरोजीनियस कैटालिसिस. या फिजिकोजीनियस का एग्जाम देखें उसमें पूछा जाता है डायरेक्ट ये कौन सा हेटरोजीनियस का एग्जाम था. तो हेटरोजीनियस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट है. जैसे होमोलिसिस हेटरोलिसिस पढ़े हैं वैसे ही होता है. केमिकल ग्रुप क्या तो लगता पढ़े नहीं उसी में पढ़ा जाए पढ़े थे. अच्छा ये बताओ कि साइकिल चलाना कब सीखा? आता है कि नहीं साइकिल चलाना? गाड़ी चला लेते साइकिल. साइकिल क्या बात करें साइकिल बचपन में सीखा हो पहले कैसे सीखा होगा फिर चलान पर चला के गलती को बैठे हो कोई गांव में बोला होगा कि जब तो खून नहीं गिरेगा नहीं सीख पाओ रेसर का तो होता है ना यारे खून गिर जाएगा उस पर नहीं चला ना चलाना है अलग अलग गांव में अलग अलग कसरत होते हैं. तो जैसे कोई दिन गया थोड़ा सा कट उठ गया ना तो निकल गया खुश हो जाता अब तो उसी में बंद तो बचपन में सीखे. अभी जैसे इलाहाबाद चले तो मिलता नहीं चला मानी बहुत हो गए 20-30 साल हो नहीं मिला चला यदि 30 साल बाद दे साइकिल चला रहे हो तो क्या फिर से सीखें? नहीं चला. चला लेंगे ना डायरेक्ट गद्दी पे बैठे कैसे नहीं चला रहे अब कैसे चलाते कोई नहीं देखता ठीक है. गद्दी पे क्यों क्यों ऐसा 30 साल बाद भी डायरेक्ट गद्दी पे चला रहे साइकिल चला क्यों ऐसा याद किए थे उसे कि पहले पहले मारना ब्रेक दबाना फिर तो आगे देखना फिर बगल में देखना याद किए थे क्या ऐसा? उसको सीखना तो क्या बोलते हैं? साइकिल चलाना हमने सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, ताश खेलना सीखा, दारू पीना सीखा. सीखी हुई चीजें भूलती नहीं लेकिन याद की हुई चीजें क्या भूल जाती है? तो कहा केमिस्ट्री याद करते सीखो ना उसे अप्लाई करो. अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं याद करता हमारे संस्कृति एग्जाम्पल संस्कृति वाले जब भी हम पढ़ते हैं कोई नहीं बोलते क्या तो दूसरे सर
इंतजार उसके लगा के फायदा होना चाहिए ना, किसी काम आए पता चले वो भी देखे, किसी काम नहीं किसी को बता भी नहीं पा रहे, बताए नहीं किसी को, सब तो देखे रहते काम होता था कि गए देख के आए अब सबको बता रहे और सब बढ़िया से सुनते भी हुए। अब ज़्यादा होते सब बीमार ज़्यादा होते चले फिर आप तीन के लिए ये तीन के लिए पढ़ना दादा जी को के लिए आप एडजॉर्बेंट या एडजॉर्बेंट कितने लगे होंगे और ये लेबलिंग एक्टिव साइट पे डिपेंड
नहीं करना आप सभी एक साथ कितने मार्क ले जा कर एक एक मार्क को क्या करते हैं तो भी क्लास चलिए आगे कर पुत्र का तीन थे ये पुत्र दे दीजिए मोस्ट मोस्ट